स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बेटा, लेक्चर नंबर सेकंड, टॉपिक चल रहा है मैथमेटिकल टूल्स। इन द प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था वो था अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, साइन कोस टेंजेंट, इनकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होती है, साइन कोस में चेंज कब होता है, टेंजेंट कोट में कब होता है, कब नहीं होता है, हम वो सब बातें पढ़ चुके हैं। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही मैथमेटिकल टूल्स में। जिन बच्चों के पास नॉन मेडिकल है वो बच्चे तो वैसे पढ़ लेंगे मैथ्स में, मेडिकल के वाले बच्चे हैं उनके लिए टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बेटा डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन जो आपके पास है, इट इज़ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इस बात का मतलब क्या है बेट? आपके पास कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, जैसे आपने 10th क्लास तक x और y में इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो x और y दोनों आपके पास वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन कंडीशन ये है कि या तो x y पे डिपेंड करे या वाई एक्स पे डिपेंड करे। तो अगर एक्स वाई पे डिपेंड करेगा तो वाई तो इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स डिपेंडेंट हो गया, और एक्स अगर वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई अगर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है। जैसे वाई इक्वल टू आपने 5x लिख दिया, तो एक्स की आप जितनी भी वैल्यू यूज़ करोगे उसके लिए वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। इट मीन्स x तो है इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू आप कितनी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो y है डिपेंडेंट हो गया। बेटा y इक्वल टू 5x मैंने बोला है, 5x, इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू तो आप मर्जी से कुछ भी ले लो, वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो ही जैसे ही आप x की वैल्यू यूज़ करोगे वैसे आपके पास y की वैल्यू निकल के आएगी। इट मीन्स y तो डिपेंड x पे कर गया। तो ऐसे कोई भी दो वेरिएबल्स जिस पे एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है, उनका जो रिलेशनशिप है हम उसको बोलते हैं फंक्शन। उस फंक्शन में मैंने सब बात इसमें लिख दी है, वैसे तो वी मे कॉल वेरिएबल क्वांटिटी एज वाई एंड मे कॉल वेरिएबल क्वांटिटी एज एक्स। जो दो वेरिएबल्स थे हमारे पास उनको मैंने एक्स और वाई की फॉर्म में पढ़ लिया। अब कहते हैं इफ़ वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहता है कि x तो इंडिपेंडेंट है लेकिन y x पे डिपेंड करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सो वी कैन कॉल इट एज y इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर y x पे डिपेंड करता है तो हम उसको बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, कि y x का फंक्शन है, x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, और उसको ऐसे लिखा जाएगा y इक्वल टू f ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x इसको बोलते हैं। f ऑफ x का मतलब क्या होता है? फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। भाई जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो दो बातें हैं, ये तो इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंड इसके ऊपर करता है, तो ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं भाई, एक से लेके हज़ार तक लाख तक जितनी भी, मीन्स एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं हम उनको बोलते हैं डोमेन, और जितनी भी पॉसिबल वैल्यू वाई की हो सकती हैं हम उनको बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। जितनी भी वैल्यू एक्स की हो सकती हैं किसकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, पॉसिबल वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन, एंड वैल्यू ऑफ वाई उसको हम पॉसिबल जितनी वैल्यू उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन और रेंज तो आप जो बच्चे हैं नॉन मेडिकल के वो पढ़ लेंगे मैथ्स में, जो बच्चे मेडिकल के जरूरत नहीं पड़ेगी डोमेन और रेंज क्या, रेंज क्या होता है, लेकिन जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं 11T2 सेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए डोमेन और रेंज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो उनको बहुत काम आने वाला है बेटा। अब पॉइंट ये आता है कि हम डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, व्हाई वी डू डिफरेंशिएशन। बेटा द पर्पज ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस उसको बोल सकते हैं, ये क्यों करते हैं कि किसी भी फंक्शन में कितना चेंज पॉसिबल है, वो ज़्यादा और कम कितना हो सकता है, उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, कोई भी फंक्शन में कितना चेंज हो सकता है, मीन्स उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा और कम हो सकती है,
उस पर्पज़ के लिए सोल्व करने के लिए हम सोचते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, या उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस बेटा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे? द वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको हम लिखेंगे वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और अगर हम डिफरेंशिएशन करें इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। मैंने अभी कहा कि कोई फंक्शन कितना चेंज हो सकता है, तो उसको लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये बेसिक है बिल्कुल। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि वाई जो है एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। डी एक्स चेंज इन एक्स, डी वाई चेंज इन वाई। तो इसको पढ़ा क्या जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। मीन्स इधर भी मैंने डी बाई डी एक्स लगाया है, इधर भी मैंने डी बाई डी एक्स लगाया है। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा। इफ वाई जे फंक्शन ऑफ टी, मीन्स अगर वाई टाइम का होता फंक्शन तो क्या होता बेटा? अगर वाई टाइम का फंक्शन होता तो वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। अब फंक्शन टाइम का है, तो अब जो वाई है इसको डिफरेंशिएट आपको टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। वहाँ पे किसका फंक्शन था? एक्स का, तो नीचे डी एक्स आया था। यहाँ किसका फंक्शन है? टाइम का, तो नीचे का डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी एफ ऑफ टी। मीन्स वाई जिस भी चीज़ का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में ही हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। मान लो वाई अगर थीटा का फंक्शन होता, एंगल का, तो डी वाई बाई डी थीटा करते हैं हम इसको। अगर ये जेड का फंक्शन होता, डी वाई बाई डी जेड करते। तो जिस चीज़ का फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, तो बेटा डी वाई बाई डी टी आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब कुछ रूल्स हमारे पास हैं जो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला बेटा रूल है, वो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। देखें, लेट y इक्वल टू x की पावर n, हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, y इक्वल्स टू x की पावर n, मतलब n का मतलब 2, 4, 5, माइनस 5, कुछ भी हो सकता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n में भी, n जो आपके पास है वो एक इंटीजर हो सकता है, एक होल नंबर हो सकता है, एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे पास, y इक्वल टू x की पावर n। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे बेटा? देखो, डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक रूल समझ लो आप, यहीं स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी पावर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जितनी भी पावर है उस पावर को आगे ला के मल्टीप्लाई कर लो और पावर में से एक कम कर दो। जो आपके पास वेरिएबल था उस पे पावर को बेटा आगे ले आओ, उसमें से एक कम कर दो। देखो, जैसे वाई था इक्वल एक्स पावर एन, इसको लिखा मैंने डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन पावर आगे ले आया मैं, और एक्स की पावर एन माइनस वन, एन पावर में आगे ले आया, ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आ गई और उसमें से मैंने एक कम कर लिया। ये तो बेसिक हो गया। इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन को समझ जाओगे। जैसे मान लिया वाई इक्वल टू एक्स की पावर फाइव है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर फाइव, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, फाइव पावर तो आगे आ जाएगी, फाइव में से एक कम होगा तो फोर बचेगा। तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स की पावर फोर। इस फाइव को आगे मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें से एक कम करके वापस छोड़ दिया वहीं पे, तो फाइव एक्स की पावर फोर। ऐसा ही है एग्जांपल सेकंड नंबर इसका, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स। भाई अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो बेटा? अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर वन बाई टू। अब रूट एक्स था, इसकी पावर वन बाई टू होगी बेटा। डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर आगे आएगी, वन बाई टू को मैं आगे ले आया, वन बाई टू माइनस वन ले लिया मैंने। जितनी पावर थी उसको मल्टीप्लाई आगे कर दिया, उसमें से एक कम करना है, पावर कितनी भी हो आपको एक कम करना है उसमें से। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू एक्स की पावर हाफ और माइनस का वन, तो बेटा माइनस का हाफ बचेगा, तो माइनस का हाफ। माइनस का हाफ का मतलब रूट होगा, लेकिन पावर कैसी है? माइनस, तो नीचे आ जाएगा, तो वन बाई टू तो आपका था ही था। इसको हम लिखिए वन बाई रूट एक्स, वन बाई रूट एक्स बेटा हाफ पावर का मतलब होता है अंडर रूट, और माइनस पावर का मतलब नीचे ले आओ, नीचे होती तो कहाँ हो जाती? ऊपर। जब भी आप इसको न्यूमरेटर से डिनोमेटर में लेके आओगे या चेंज करोगे तो पावर का साइन चेंज होगा बेटा। तो जब ये एक्स नीचे आएगा तो प्लस की हाफ हो जाएगी, प्लस की हाफ को मैंने रूट एक्स लिख दिया यहाँ पे। ये आपका अगला पार्ट हो गया।
आई थिंक सब बच्चे समझ गए अच्छे से कि कैसे कैसे मैंने इसको सोल्व किया है। सिंपल और बेसिक रूल है कि पावर को आपको आगे लेके आना है, पावर में से एक कम करना है, चाहे पावर कैसी भी हो, कितनी ही पावर हो हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट बेटा, वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स की पावर थ्री। अब देखो नीचे है टर्म, ये इसको जब ऊपर लेके जाओगे आप तो पावर हो जाएगी माइनस की थ्री। वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस थ्री। अब वही रूल है, पावर को आगे लेके आएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, एक्स की पावर माइनस थ्री थी उसमें से माइनस वन और करना है। मैंने यही कहा था पावर कितनी भी हो उसमें माइनस वन करेंगे बेटा, तो माइनस थ्री और माइनस वन, माइनस का फोर बन जाएगा ही। आपके पास क्या आ गया बेटा, ये आ गया माइनस थ्री इंटू एक्स की पावर माइनस फोर, ये पावर थी आगे आ गई। अब अगर इसको नीचे लिखो तो प्लस की पावर हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ गया, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, और ये पावर थी माइनस की, नीचे क्या होगी प्लस की, तो अपॉन एक्स की पावर फोर। नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई इक्वल्स टू वन बाई रूट एक्स। बेटा वन बाई रूट एक्स जब ये ऊपर जाएगा, हमें ये पता है रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर वन बाई टू होती है, लेकिन वन बाई टू पावर नीचे है यहाँ पे, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस की, तो एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगी बेटा। अब वही बेसिक रूल, पावर को आगे ले आओ, माइनस वन बाई टू आगे आ गया, माइनस वन बाई टू और माइनस वन, तो ये माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, तो आपके पास आ गया वन माइनस वन बाई टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू। अब पावर को नीचे आके प्लस की कर लो, तो आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का वन बाई टू तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो पावर थी देखो यहाँ पे प्लस आ गया, नीचे आ गया, पहले ऊपर थी तो माइनस की पावर थी, अब नीचे आ गया तो एक्स की थ्री बाई टू हो गया नीचे पावर। ठीक है, अब रूल नंबर नेक्स्ट, पहला रूल समझ आ गया सब बच्चों एक्स की पावर एन का, या सेकेंड रूल आपको समझाता हूँ मैं, रूल नंबर सेकेंड है ये, वाई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स की पावर एन। ए कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है आपके पास, मल्टीप्लाई में कॉफिशियंट ऑफ एक्स है ये, तो अब क्या करेंगे, रूल अब भी वही है आपके पास बेटा, रूल आपका अब भी वही है, इसको हम लिखें डी वाई बाई डी एक्स, जो कॉन्स्टेंट टर्म थी ए, इसको मैंने अलग लिख लिया यहाँ पे, ए कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया, और अंदर तो वेरिएबल का करना है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, वही बात है पीछे वाली, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, उसको हमें कुछ नहीं कहना है, इसको हम बाहर ले आए, अब मल्टीप्लाई में था तो सिर्फ इस की बात करेंगे हम, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, और इसका आपको सबको सोल्व करना आता ही है। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन पावर आगे आएगी, तो ए तो ये था ये वाला ए, ठीक है, ए आपके बेटा था ही इंटू एन, और एक्स की पावर एन माइनस वन, ये पीछे वाला रूल था, ये वाला पीछे वाला एज इट इज, सिर्फ ए से मल्टीप्लाई हुआ है। आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे क्या हो रहा है इसमें। ये एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। बेटा थ्री यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो थ्री को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको देखो भाई साहब को, पीछे वाले को, टू को जब आगे लेके आओगे थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा, और टू में से एक कम कर दो पावर। देखो ये कॉन्सेप्ट रहा, थ्री इंटू टू एक्स की पावर टू माइनस वन, तो थ्री इंटू टू सिक्स बन गया, और एक्स की पावर टू माइनस वन यानी कि एक्स, तो इसका जो आंसर आया सिक्स एक्स आ गया, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया सिक्स एक्स। आज से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाई इक्वल्स टू सेवन अपॉन एक्स की पावर फोर। अब बेटा एक्स की पावर फोर जो है दैट इज इन डिनोमिनेटर, जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे उधर तो ये पावर आएगी माइनस की फोर, तो वाई इक्वल टू सेवन इंटू एक्स की पावर माइनस फोर। बेटा अब रूल वही है, सेवन को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रख दिया मैंने, पावर को आगे लिया है माइनस फोर, पावर में से एक कम कर दिया, तो सेवन इंटू माइनस फोर माइनस का ट्वेंटी एट, और एक्स की पावर माइनस वन और माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव, तो माइनस ट्वेंटी एट एक्स की पावर माइनस फाइव। बेटा पावर को नीचे लो प्लस की हो जाएगी, तो माइनस ट्वेंटी एट अपॉन एक्स की पावर फाइव। सिमिलरली नेक्स्ट, वाई इक्वल टू फोर रूट एक्स। अब आई थिंक जरूरत नहीं है मुझे बताने की, सब बच्चे खुद कर लेंगे, फोर रूट एक्स का मतलब एक्स की वन बाई टू, वन बाई टू को आगे ले आया मैं, उसमें से एक कम कर दिया तो माइनस की हाफ बच जाएगी, ये बातें पहले पढ़ा चुका हूँ बेटा मैं, इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूँ यहाँ पे, फोर इंटू वन बाई टू से टू कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, ये टू इंटू एक्स की माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू को नीचे लो प्लस की हो जाएगी, तो टू अपॉन रूट एक्स। इसको आगे मॉडिफाई किया है मैथमेटिकली, और कुछ नहीं किया है,
ठीक है, अगर फिर भी डाउट हो तो आप लोग कॉल करके पूछ लेना मेरे से। बाकी जहाँ तक मेरा विचार है आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की। अगला बेटा है वाई कुल टू अपॉन रूट एक्स, यही मैंने दोबारा ले लिया यहाँ पे, ये तो आंसर था। अब इसको मैंने क्वेश्चन बना दिया कि वाई कुल टू अपॉन रूट एक्स है भाई, तो रूट एक्स ऊपर लेके जाओ, एक्स की पावर हाफ हो जाएगी माइनस वन बाई टू। अब पावर को आगे ले आओ, टू इंटू माइनस हाफ, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू में से माइनस वन और करना है तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा बेटा। देखो ना, माइनस वन बाई टू और माइनस वन, एलसीएम टू आएगा यहाँ पे आपके पास, समझिए माइनस वन माइनस का टू तो माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, आप सबको आता है, क्यों बढ़ा रहा हूँ बेवकूफ, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस इंटू एक्स की पावर थ्री बाई टू की माइनस कर नीचे के प्लस की हो जाएगी। पहले ये लिखा है मैंने, इसको मैं नीचे ले गया तो ये पावर प्लस की कर दी मैंने, ये आपका आंसर आ गया। अगला, वेरी सिंपल वेरी इजी, घरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आराम से कर सकते हो। मेन जो बेसिक रूल है एक्स की पावर का है कि पावर को आगे ला के एक कम करना होता है, बस वो रूल भूलना मत, वो रूल लगाए चलो, आपके सारे क्वेश्चन होल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट रूल नंबर थ्री, वाई इक्वल टू सी, अब इसमें एक्स नहीं है, सी इज ए कॉन्स्टेंट। बेटा अगर इसमें एक्स नहीं है, हमें तो निकालना है कि x के रेस्पेक्ट में y चेंज कितना होगा। जब x का ही नहीं पता तो y कैसे निकालेंगे, इट मीन्स x इसमें है नहीं तो x के रेस्पेक्ट में चेंज हो नहीं सकता, तो dy वाई अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो होता है वैसे तो। अब जीरो कैसे आया प्रूव कर लेते हैं। वैसे यहाँ तक देखो, आपको इसमें x नज़र नहीं आएगा, मैंने x की पावर जीरो लिख ली, लिख सकते हैं ना, x की पावर जीरो इक्वल टू वन होता है तो वन इंटू सी इक्वल टू सी रहेगा, तो मैंने x का जीरो लिखी बेटा। अब रूल c कॉन्स्टेंट वाइज रखो, पावर को आगे ले आओ जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो माइनस वन। अब जीरो से जो मल्टीप्लाई होगा सारा जीरो हो जाएगा, जो जीरो से मल्टीप्लाई होगा सारा क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए आप लोग बेसिक याद कर लें कि कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। अगर उसमें कोई वेरिएबल साथ नहीं है तो उसका कॉन्स्टेंट टर्म माना जाएगा, उस कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा बेटा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर एक लेके चल रहा हूँ, एग्जांपल एक ही करा देता हूँ, y इक्वल टू फाइव टी स्क्वेयर। अब कन्फ्यूजन ये है कि t तो वेरिएबल हो सकता है लेकिन लिखा क्या है वो पढ़ो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू t लिखा होता तो ये आपके पास वेरिएबल था, इसमें x लिखा है तो x के लिए तो t कॉन्स्टेंट टर्म होगी, इसमें इधर कहीं भी x नहीं है। अगर इसमें कहीं भी x नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। समझ गए रूल नंबर नेक्स्ट, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n बाई ब्रैकेट a के पावर n, एक एक से बढ़ता जा रहा है तो सर कहां तक जाकर रुकेंगे पता नहीं। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n, क्या रूल बताया था, पावर आगे आएगी एक कम हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बढ़ेंगे, पहले पावर को फिर अंदर की बात करेंगे भाई, पहले इसको देखेंगे फिर अंदर चलेंगे ब्रैकेट के, भाई तुम्हारी क्या बात है। चलो इसको ऐसे लिख लिया, पावर आगे आई एन, ए एक्स प्लस बी पावर एक कम कर दी एन माइनस वन। अब ऐसे क्वेश्चन में यही बात नहीं बनने वाली है, एक स्टेप बढ़ेगा, पावर को भूल के जो अंदर अंदर है उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, कि हमने अब तक तो पावर का सुलझाया है, हमें जाना तो एक्स के पास है ना, तो एक्स तो अंदर है बेटा, तो पहले पावर का दरवाज़ा खोला फिर अंदर पहुंच गए भाई। डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, अब इसमें तो एक्स है नहीं, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स है, ए तो कॉन्स्टेंट हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स वन हो गया, इट मीन्स इसका आपके पास सिर्फ ए आ जाएगा। बेटा देखो बी में एक्स नहीं है तो जीरो, x के साथ a, a कॉन्स्टेंट, a को बाहर ले लोगे तो dx एक्स अपॉन डी एक्स वन हो जाएगा, तो a इंटू वन बेटा आपके पास a बचेगा, तो इसका बच गया a प्लस वन, ए प्लस जीरो। समझ गए, तो a को आगे मल्टीप्लाई करो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब आपका आंसर जो है ये बदल गया, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन। लेट अस हैव एन एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फाइव की पावर सिक्स, y इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फाइव पावर सिक्स। तो क्या समझाया, पहले पावर का ब्रेकर तोड़ो, आजा भाई पावर आगे आ गई,
पावर में से एक कम हो गए, पाँच हो गया। अब अंदर घुसो, जब अंदर घुसे तो पाँच का तो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है जीरो, और थ्री एक्स था, एक्स का तो वन होगा, थ्री का थ्री बच गया, तो थ्री इंटू सिक्स एटीन, बाकी आपका आंसर आपके पास। पहले पावर का किया, उसके अंदर जब जाएंगे फाइव में एक्स नहीं है, उसका जीरो हो गया है, थ्री एक्स में एक्स का तो वन हो जाएगा, थ्री का थ्री रह गया, थ्री कॉन्स्टेंट टर्म थी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल इसी के ऊपर देखो भाई, वाई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर एक्स प्लस नाइन, वाई इक्वल टू वन अपॉन फोर एक्स प्लस नाइन, इसकी पावर थ्री बेटा। अभी पावर नीचे इसके ऊपर लेके जाओ तो प्लस की हो जाएगी, सॉरी माइनस की हो जाएगी, ये आ गया फोर एक्स प्लस नाइन की पावर माइनस थ्री, फोर एक्स प्लस नाइन की पावर माइनस थ्री। अब पावर को आगे ले आया मैं माइनस थ्री, माइनस थ्री इंटू माइनस वन करोगे तो माइनस की फोर हो जाएगी, माइनस थ्री में से माइनस वन तो माइनस की फोर होगी पावर। अब अंदर वाले की बात करो तो नाइन में एक्स है नहीं जीरो, फोर एक्स का हो गया सिर्फ फोर, तो फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व, एक्स ये आपकी पावर एज इट इज़ है, इसको नीचे ले आया मैं तो पावर प्लस की होगी है, तो माइनस ट्वेल्व डिवाइड बाई फोर एक्स प्लस नाइन की पावर फोर। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि कुछ स्टेप आसान हो चुके हैं, चार रूल समझाए हैं, चारों रूल्स में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स अगर है तो कॉल कर सकते हो, बड़ा कॉल तो हम करेंगे नहीं, अटेंडेंस ही नहीं भेजते हैं, कॉल कैसे करेंगे। चलो अब आते हैं रूल नंबर फाइव पे, वाई इक्वल टू यू प्लस वी, इसको बोलते हैं एडिशन रूल। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रूल। इसका मतलब ये है कि जो वाई है उसमें दो टर्म हैं, एक यू और एक वी, यू और वी दोनों एक्स के फंक्शन हैं, यू और वी बोथ आर द फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन जो वाई है वो दोनों के सम के बराबर है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब यू और वी एक्स के फंक्शन हो और वाई इक्वल टू सम ऑफ टू फंक्शंस है, तो बेटा इसके लिए हम अगर आगे चलें, इसको ऐसे लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स। पहले यू का कर लो फिर वी का कर लो, पहले यू का फिर बेटा अगर दो टर्म हैं यू और वी, तो पहले यू फर्स्ट टर्म का फिर सेकंड टर्म का कर लें, बीच में प्लस या माइनस दोनों चलेंगे इसमें ना, प्लस भी और माइनस भी बोथ आर इंक्लूडेड, पहले एक टर्म का फिर सेकंड टर्म का। एग्जांपल लो समझ जाओगे, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस टू रूट एक्स और प्लस सेवन। अब एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, u v इसको w मान सकते हो, जितने भी टर्म हो सकते हैं हमारे पास। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, इसमें x है नहीं बेटा। तो बेसिक रूल आपका वही है, एक एक को सोल्व कर लो, पावर फोर पावर आ गया है 12, एक कम होगी पावर थ्री होगी, इसका टू रूट एक्स को x की वन बाई टू लिखेंगे, वन बाई टू आगे ले आया मैं साथ साथ स्टेप बाय स्टेप काट चल रहा हूँ मैं, टू एज इट इज़ है, इसकी पावर थी वन बाई टू, उसको आगे ले आया मैं और उसने जो एक कम किया तो माइनस की हाफ बच गई, इसमें एक्स था नहीं जीरो हो गया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस ये पावर हाफ माइनस की है, नीचे आके हो जाएगी प्लस की, तो रूट एक्स नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट वाई इक्वल टू एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री अपॉन एक्स की पावर सिक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बेटा, वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर फाइव थ्री अपॉन एक्स की पावर सिक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बेटा। तीन टर्म इसमें ले ली मैंने, इसका सिस्टम क्या है कि पावर को आगे ले आया फाइव, आगे आगे एक पावर कम कर दी फोर बच गई, इसमें पहले ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस सिक्स हो जाएगी, जब कहाँ जाएगा ये ऊपर तो पावर हो जाएगी इसकी माइनस सिक्स, तो थ्री इंटू पावर को मैंने आगे ले लिया माइनस सिक्स और एक कम करो तो माइनस सेवन हो गया, ये प्लस इसमें आ जाओ टू से मल्टीप्लाई यहाँ टेन, एक कम करो पावर एक बचेगी तो टेन एक्स हो गया, फाइव एक्स की पावर फोर थ्री इंटू सिक्स माइनस एटीन, पावर माइनस सेवन है प्लस टेन एक्स बेटा, इसको नीचे रखो प्लस की हो जाएगी, तो इसको रीअरेंज कर दिया, फाइव एक्स की पावर फोर माइनस एटीन अपॉन एक्स की पावर सेवन प्लस टेन एक्स प्लस टेन एक्स। अगला जो रूल है वो है
प्रोडक्ट का, वाई इक्वल टू यू इंटू वी। अब यू और वी दोनों फंक्शन किसके हैं, एक्स के ही हैं, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई है इक्वल टू वाई के बराबर। तो ऐसे को कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे उस फंक्शन को सोल्व करने के लिए यू को और वी को, दो टर्म है, पहले यू को सेम रखो, डिफ्रेंशिएट सिर्फ वी को करो, फिर प्लस लगाओ, वी को सेम रखो, यू को कर लो। अगर प्लस होता तो अलग अलग कर लेते बेटा, मल्टीप्लाई है तो इसको सेम इसको कर दिया, फिर इसको सेम इसको कर दिया सोल्व। देखो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी एज इट इज रखा मैंने डी यू बाई डी एक्स, एक बार पहले को सेम रखा, दूसरे को सेम रखा, अलग अलग का मैंने बारी बारी क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया बेटा। एग्जाम्पल लो समझ जाएंगे, आ जाओ भाई आ जाओ, ये आगे y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। अब ये तो u मान लिया, मैंने u मान लिया, v मान लिया, देखो बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं, एक टर्म ये एक टर्म ये, ब्रैकेट खोल लो मर्जी है, नहीं खोलते हो तो सीधा कर दो इसको, इसको मान लो, इसको एज इट इज रखें यू को, यू एज इट इज आ गया थ्री एक्स स्क्वेयर। इसको जब सोल्व करोगे तो वन में एक्स नहीं है, जीरो हो जाना है, फाइव एक्स का फाइव हो जाएगा बिकॉज एक्स का तो वन होता है बेटा। अब प्लस लगा दिया मैंने, अब वी को एज इट इज इसको लिखा, देखो फाइव एक्स प्लस वन को ऐसे करा, ऐसे रख लिया मैंने, इसको सोल्व करोगे तो पावर आगे आएगी, थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा सिक्स, पावर एक कम कर दो तो सिक्स एक्स हो गया हमारे पास, थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन एक्स स्क्वेयर हो गया। इससे मल्टीप्लाई कर लो, थर्टी एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स, थर्टी और फिफ्टीन फोर्टी फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स। ये तो आपके पास मैथमेटिकल है, आप लोग खुद भी कर सकते हो कि कौन सी टर्म कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, मेन यहाँ तक समझना आप लोगों को कि इसको सेम रखा इसको सोल्व किया, फिर इसको सेम रखा इसको सोल्व किया, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन इंटू फाइव एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन इंटू फाइव एक्स प्लस टू। अब ये u है ये v है, एक u और एक v, u को एज इट इज रखो, देखो नीचे सेम जांग उठा है मेरा, चलो ये एज इट इज आ गया, इसको सोल्व करना है, 5x प्लस टू, क्या 2 के साथ x है, नहीं है, तो 2 का तो 0 हो गया, 5x का सिर्फ 5 हो जाएगा, तो 5 आ गया। अब प्लस लगाया, अब इसको एज इट इज रखा सेकेंड टर्म को, पहले वाली करो, 7 में x नहीं है तो 0 हो जाना है, छोड़ दो उसको, तो ये पावर आगे आएगी सिक्स, थ्री टू सिक्स, पावर एक करो एक्स तो क्या बच गया सिक्स एक्स, ये बच गया भाई। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, आगे पीछे अरेंज कर लो, तो आपका काम है, यहाँ तक समझ जाओ, उसके बाद तो मैथमेटिकल है, टेंथ तक मैथ पढ़ा है सब बच्चों ने, आ ही जाएगा आप लोगों को, समझ गए, चलो भाई वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर नेक्स्ट, सर बहुत रूल हो रही है बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी रूल्स और भी पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को ना, रूल्स क्या हैं अब देखो, अगला है u अपॉन v डिवाइड का रूल है, क्वोशेंट y इक्वल्स टू u अपॉन v, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। तो भैया पहले इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, इससे पहले वाले में जहाँ पे आपके प्रोडक्ट थे ना, ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं था, पहले कोई भी टर्म लिख लो, इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट है बिकॉज बीच माइनस साइन लग गया, तो v को सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, u इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, u को सेम रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और टोटल डिवाइड बाई v स्क्वेयर, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर उसका स्क्वेयर कर देंगे। इसका तरीका हम आपको एक और भी बताऊंगा आसान सा, कि इसको ऊपर ले जाके पावर माइनस वन कर लो, फिर मल्टीप्लाई का रूल बन जाएगा, क्या समझे, नहीं समझे, ओ इसको ऊपर लेके जाओगे तो v की पावर माइनस वन हो जाएगी बेटा, जितनी भी v है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की पावर। अब u इंटू वी का रूल लगा लेना, पहले ये समझ लो फिर वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी यू बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वेयर। डिनोमीटर को सेम रखा, नोमीटर का किया माइनस, नोमीटर को सेम रखा, डिनोमीटर का किया, और डिवाइड बाई डी नोमीटर का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला था बेसिक, इसके ऊपर एग्जाम्पल हम करते हैं नेक्स्ट। y इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स अपॉन सेवन एक्स स्क्वेयर, वाई इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स अपॉन सेवन एक्स स्क्वेयर। इसको u मान लिया ऊपर वाले को भाई साहब को, और इसको मैंने v मान लिया, एक u एक v, ऊपर u नीचे v, u v ऊपर u।
बट वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स अपॉन सेवन एक्स स्क्वेयर। न्यूमरेटर यू है, डिनोमेटर वी है। क्या बताया था, पहले वी को सेम रखो, सेवन एक्स स्क्वेयर सेम, इसको करेंगे डी बाई डी एक्स। तो मैंने एक स्टेप काट दिया, सीधा कर रहा हूँ मैं, इसको मैंने सेम रखा, इसको सोल्व कर रहा हूँ, टू पावर आगे आएगी तो टू इंटू टू क्या होगा फोर एक्स प्लस एक्स का तो वन, थ्री का थ्री रह गया, फिर आएंगे माइनस साइन। अब इसको सेम रखेंगे न्यूमरेटर को, टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स सेम रहा, और इसका सोल्व करना है तो पावर कितनी है दो, जब पावर आगे आएगी तो 14 एक्स तो पावर एक कम कर दो। समझ गए, दोबारा देख ले बेटा, पहले मैंने इसको सेम रखा है ये रहा, इसको सोल्व यहाँ कर दिया, माइनस लगाया, ऊपर वाले को सेम रखा यहाँ पे, नीचे वाले को सोल्व यहाँ कर दिया, और टोटल डिवाइड बाई वी का स्क्वेयर, सेवन का स्क्वेयर 49, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स पावर 4। ठीक है, ऊपर से 7x कॉमन आ जाएगा, 7x कॉमन आने के बाद यहाँ सिर्फ x बचेगा, उस x से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों में से 7x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ 7 तो कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, x बच गया, x से मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो 4x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस, यहाँ तो 2 बच गया तो 2 से मल्टीप्लाई, भाई 7x कॉमन गया ना तो सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 इंटू 2 4x स्क्वेयर, ये बाहर माइनस था अंदर भी माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 3x 6x हो गया। अब देखो 4x के माइनस का प्लस कट जाएगा, तो ये भाई साहब इससे मार दिया, ये माइनस 6 प्लस का 3 तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 7 से 7 पे डिवाइड हो जाएगा, 1x से x कट जाएगा तो माइनस 3x अपॉन 7x की पावर 3। अब भैया और x कट जाएगा, x फिर काट दो तो माइनस 3 अपॉन 7x स्क्वेयर, माइनस 3 अपॉन 7x स्क्वेयर, माइनस 3 अपॉन 7x स्क्वेयर, इसका आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल इसी को करते हैं, मैंने बताया था कि अगर इसको मैं u इंटू v से करूं तो कैसे करूंगा। बेटा y इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x अपॉन 7x स्क्वेयर हमारे पास हो गया, y इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 3x अपॉन 7x स्क्वेयर, वही क्वेश्चन है। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, पावर माइनस की वन हो जाएगी, सॉरी जितनी भी है उसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब काम क्या है, काम बेटा ये जो आपके पास ये 7 है ना, इसको छोड़ देना चाहिए, तो कॉन्स्टेंट है, इसका हमें सोल ही नहीं करना, सिर्फ x को ऊपर ले जाओ। तो मैं x को ऊपर ले गया हूँ, ध्यान से देखें, 7 ही छोड़ दिया मैंने, x ऊपर गया, माइनस 2 पावर होगी। अब ये u बन गया, ये v बन गया, इसको सेम रखो इसका कर दो, प्लस इसको सेम रखो इसका कर दो, ये देखो भाई वैसे ही किया है, u इंटू v का रूल आप खुद करेंगे, मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ इस चीज़ को, खुद करें इसको, स्क्रीन रोक लें, सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, आंसर वही आएगा जो पहले वाले का आया था। अब मर्जी आपकी है, चाहे डिवाइड वाला करते हो या ये, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रूल ये फॉलो करें, डिवाइड वाले नीचे वी का स्क्वेयर करना पड़ेगा, कई बार कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, क्वेश्चन बहुत टिपिकल बन जाते हैं, फिर डिवाइड करने पर स्क्वेयर कर दिया, स्क्वेयर का डिवाइड फिर कहीं कॉमन नहीं आता है, कहीं कटता नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये है, जब भी आपके पास डिवाइड का रूल आता है तो नीचे वाले टर्म को ऊपर लेके जाएं, उसकी पावर नेगेटिव कर दें और यू इन टू वी का रूल लगा दें, सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप थोड़े से 7 रूल आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, अब बस बहुत कम बचे हुए हैं, शाबाश हिम्मत करो, बहुत आसान सा काम बचा हुआ है। y इक्वल टू log x नेक्स्ट रूल है, कम यूज होता है, y इक्वल टू log x, इसका सीधा आंसर है 1/x, log x का याद कर लो 1/x होता है, सिर्फ अगर यहाँ पे x है तो 1/x होता है, उसके बाद x का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है बातें। y इक्वल टू log x स्क्वेयर ले लिया मैंने, अब 1/ होना है, जो इसके साथ है उसको डिवाइड ले लो, इसका आंसर आएगा dy/dx, यहाँ पे x स्क्वेयर था ना तो 1/x स्क्वेयर हो गया, लेकिन अब इसके अंदर वाले को दोबारा करेंगे, यहाँ भी किया है मैंने, यहाँ मैंने किया है dx/dx, अंदर x था तो dy/dx तो 1 हो गया हमारे पास, सेम रह गया 1/x स्क्वेयर इंटू, तब पावर आगे आएगी तो इसका होगा 2x,
पहले सिर्फ इसका वही ब्रैकेट वाली बात है ना, पहले लॉग वाली पंगा सोल्व करो फिर अंदर घुसो इसके। तो लॉग वाला पंगा सोल्व वन अपन एक्स स्क्वायर आ गया और पावर टू आ गया आगे, तो एक्स एक कैंसिल हो गया तो टू बाई एक्स इसका आंसर आ गया। वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब वही बात है कि पहले तो लॉग का प्रॉब्लम सोल्व करना है, इस सारे को नीचे ले लो, वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर फाइव यहाँ आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बेटा। अब अंदर की बात करें, इसमें एक्स है नहीं जीरो, इसमें है टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स एक्स, तो सिक्स एक्स अपॉन ये आ गया। आई थिंक समझ गए होंगे। होम रूल नंबर नेक्स्ट, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल टर्म, y इक्वल टू e की पावर x, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल टर्म बेटा। और एक्सपोनेंशियल जो टर्म होती है तो dy बाई डी एक्स उसका एज इट इज आंसर आ जाता है, बसरते यहाँ सिर्फ x है ना, तो x की पावर एंड x का कोफिशियंट है कोई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ x है, x की पावर भी नहीं है और x का कोफिशियंट भी नहीं है, तो एज इट इज आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इंटू e की पावर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, वो कट जाएगा, वन हो जाएगा, तो यही रह जाएगा। अब एग्जाम्पल में बदलता हूँ सारी बातें, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, उसकी पावर फिर दो ई की एक्स स्क्वेयर। ओहो हो, पावर में पावर में पावर, बहुत पावर आ गई है। चलो पावर कम कर देते हैं थोड़ी सी हवा निकाल के। वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वेयर बेटा, तो एक कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, पहले एज इट इज लिख दो, पहले लिख दिया ऐसे के ऐसे। ये देखो भैया जी इधर आओ, पहले टर्म ऐसे कैसे है, उसके बाद सिर्फ पावर को पकड़ लो, ऊपर वाले को भाई साहब को बोला आप यहाँ जाओ, एक्स को छोड़ो मत पीछे एक्स का, अब दो पावर आगे आएगी तो टू एक्स हो जाएगा। ये आ गया ई की पावर एक्स इंटू टू एक्स, मॉडिफाई करके लिख सकते हो आगे, तो आपका काम है भाई, मेरा काम नहीं है। फिर भी मैंने लिख दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर। अगला वाई इक्वल टू ए की पावर फाइव एक्स, पहले पावर की बात की, अब कोफिशियंट की बात कर रहा हूँ, तो ये तो भाई साहब एज इट इज़ आएगा ही आएगा, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाली समस्या थी एक्स वाली, उसको भी सोल्व करना ज़रूरी था। एक्स का वन हो गया, पाँच का पाँच बच गया, आपका आंसर ये बच गया। कैसे रही ये रूल हो गए भाई, कितने रूल हो गए हमारे पास, नाइन, नाइन रूल्स हो गए हैं। नाइन रूल्स का बेसिक पहला रूल है सबका, एक्स की पावर एन वाला। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास हैं, उनका नंबर आता है टी रेशियोज़ का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी समस्या को कैसे सोल्व किया जाएगा याद कर लेना भैया। वाई साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, इनटू में डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये बात मैं लिखी नहीं है, मैंने बोला तुम इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हो, फिर सोचा मैंने, फिर सोचा और इंटेलिजेंट बच्चे कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। देखो भाई साइन का हो गया कोस एक्स, साइन ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री आ गए। अब भाई एक्स का छोड़ना नहीं पीछा, कहाँ जाएगा बच्चे, तो डी एक्स बाई डी एक्स, इसका दोबारा करेंगे ना तो ये तो कट जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, वाई इक्वल टू साइन सेवन एक्स, साइन का कोस सेवन एक्स, लेकिन जब सेवन एक्स का करोगे अलग से तो सेवन और आएगा साथ में, एक्स का तो वन है, वो सेवन मैंने आगे मल्टीप्लाई में कर दिया, नहीं समझे। साइन सेवन एक्स इज इक्वल्स टू सेवन कोस सेवन एक्स, कहाँ से आया, बिकॉज साइन तो कोस में चला गया, सेवन एक्स का सेवन आएगा, ये मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, चलते रहो, बहुत अच्छे। अगला है वाई इक्वल्स टू साइन टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, ब्रैकेट के अंदर की समस्याएँ हैं, पहले इसको कन्वर्ट करो साइन से कोस में, साइन से कोस में चला गया भैया, ये आ गया कोस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब ब्रैकेट वाले की बात करो, इसमें एक्स था नहीं तो ज़ीरो, ये पावर आगे आएगी टू इंटू टू इंटू फोर एक्स आ गया। पहले ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री, फिर ब्रैकेट में जाओ, वही बात है एक्स का पीछा नहीं छोड़ना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया फोर एक्स इंटू कोस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, एक्स का पीछा, ये एक्स वो नहीं है, ये एक्स दूसरा है, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। चलो भैया
वाई इक्वल टू कोस एक्स, कोस का होता है माइनस साइन, अब तक साइन की बात थी। रूल नंबर टू, वाई इक्वल टू कोस एक्स, कोस का होता है माइनस साइन एक्स। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वाई इक्वल टू कोस फाइव एक्स, तो कोस को कन्वर्ट कर दिया भैया जी साइन में हैं, तो कोस का तो हो गया माइनस साइन फाइव एक्स, लेकिन फाइव एक्स का फाइव आएगा तो साथ में मल्टीप्लाई में आ गया। वाई इक्वल टू कोस एक्स की पावर थ्री, तो भैया कोस को साइन में कन्वर्ट कर दिया गया है, माइनस साइन एक्स की पावर थ्री। ओके, कोस का माइनस साइन एज इट इज कन्वर्ट करना है, लेकिन एक्स का पीछा नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक भागता है। लो भैया एक्स की पावर थ्री, थ्री को आगे ले आओगे थ्री, एक कम कर दोगे टू, तो आपका आंसर बन गया ये सारा माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर साइन एक्स क्यूब। आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आ रहा है आपको। लो भैया वाई इक्वल टू टेन एक्स का होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, आपको याद ही करना है सीधा, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसिक स्क्वेयर एक्स, कोसिक एक्स का होता है माइनस कोसिक एक्स कोट एक्स, एक्स 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 एक्स। अब यहाँ तक की बातें थी, इतनी समस्याएं समझ में आ गई होंगी। अब एक बड़ी समस्या से और निपट लेते हैं, आखिरी समस्या है इस टॉपिक की। टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन, बहुत काम आने वाली बात मैं करने वाला हूँ। मैक्सिमा और मिनिमा, कोई भी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम है उसके लिए ये टॉपिक आपकी कैसे मदद करने वाला है। टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, वी नीड टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। इंग्लिश ज़्यादा हो गई, वापस आता हूँ। अगर कोई फंक्शन बेटा आपके पास है और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम, तो सिंपल डिफरेंशिएशन से नहीं निकाल सकते, हमें उसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अरे सर एक को समझ में नहीं आया, डबल वो करवा दो हैं, क्या करें भैया लॉकडाउन का टाइम ऐसा ही होता है, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, वी नीड टू डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन। ध्यान रहे, दो बार करेंगे। देखो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ द फर्स्ट डेरिवेटिव्स इज जीरो। भाई अगर आपके पास कोई फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उस केस में फर्स्ट टाइम जब उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो जीरो आएगा। बहुत पते की बात है, न्यूमेरिकल्स बहुत आएंगे प्लस टू क्लास में तो खास कर आएंगे भैया। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम दे रखा हो या मिनिमम दे रखा हो, तो उस बात की गांठ बांध लो, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके जीरो पुट कर देना भैया जी, जो आपको चाहिए वो आपके पास पहुंच जाएगा एक्स को छोड़ के। क्या बात करते हैं, चलो वापस आते हैं। अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है या फिर क्या है वो मिनिमम, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। मींस मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, पहला डिफरेंशिएशन जीरो होता है। लेकिन हम वहां से एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाएंगे कि मैक्सिमम कहां पे है और मिनिमम कहां पे है, मैक्सिमम है या मिनिमम है ये भी नहीं बता पाएंगे। अब कोई फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है कहां पे है, उसके लिए उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो। हैं जी थोड़ी सी असुविधा के लिए खेद है, चोट लग गई है उंगली में, गुस्से गुस्से में काट लिया मैंने। ओह चलो भाई, इट मीन्स एट दीज पॉइंट्स देर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अच्छा, वन थिंग शुड कैप्ट इन माइंड दैट बाई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स। जैसा बता चुका हूँ, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन करने से ना तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम है, ना पता लगेगा मिनिमम है, ना ही आप बता सकते हो कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम। इसके लिए दोबारा से करना पड़ेगा। टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव्स बाई वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या है भैया, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। और भैया डी अपॉन डी एक्स दोबारा लगा सामने, ये फर्स्ट था ना, तो डी वाई डी एक्स दोबारा लगा दो, यहाँ पे एज इट इज था हमारे पास, तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर एफ डबल डैश एक्स।
ये सेकंड ऑर्डर का हो गया है डबल डेक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, अब चलते हैं, आ जाओ यहाँ समझाता हूँ कैसे समस्याएं उस समाधान करेंगे हम एक मंच के नीचे। ये लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, यूं वे यूं आ यूं यूं ऐसे ग्राफ बना दिया आपको। अब हमको दिख रहा है कि चोटी के ऊपर बैठा है भैया, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये खड्डे में बैठा है, ये मिनिमम वैल्यू है। देखने पता लग रहा है कंडीशन कैसे निकालेंगे भैया, देखने थोड़ी बात बनेगी, हमें तो मैथमेटिकल सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ द कर्व, जो भी ग्राफ है उसमें डी वाई बाई डी एक्स मतलब उस ग्राफ की स्लोप के बराबर होता है। स्लोप का मतलब ढलान, किस एंगल पे कितने एंगल पे झुका हुआ है वो, उसको बोलते हैं स्लोप। अब मैं पॉइंट ए की अगर बात करता हूँ तो देखो पॉइंट ए में पहले स्लोप पॉजिटिव है, फिर जीरो हुई और फिर नेगेटिव हुई। ऊपर जाएंगे स्लोप पॉजिटिव आएगी, नीचे आओगे स्लोप नेगेटिव आएगी। यहाँ से यहाँ तक मैं ऊपर गया स्लोप पॉजिटिव थी, यहाँ हम यहीं रहे स्लोप जीरो रही, यहाँ हम ऐसे आए स्लोप नेगेटिव हो गई बेटा। तो पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, तो कैसे गए, पॉजिटिव नेगेटिव गए। इसका मतलब जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए इसका मतलब आपकी स्लोप की वैल्यू कम हुई है। इट मीन्स स्लोप की वैल्यू कम का मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन आपके पास नेगेटिव आएगा, लेस देन जीरो आएगा। तो भैया यहाँ पे आओ, जब मैक्सिमम कंडीशन है उसके लिए एक बात तो ध्यान रहे, मैक्सिमा के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर जीरो रहेगा। कन्फर्म करने के लिए डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, अगर वो नेगेटिव आता है तो पॉइंट मैक्सिमा का है। यहाँ तक तो नहीं पता किसका पॉइंट है, यहाँ तो ये पता है कि इट मे बी मैक्सिमम इट मे बी मिनिमम, लेकिन जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर दिया और वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ गई है, इसका मतलब पता हो गया है कि ये पॉइंट भाई साहब मैक्सिमम का था। उल्टा केस चल रहा है, हाईएस्ट वैल्यू पे नेगेटिव आएगी, मैक्सिमम पे लेस देन, हाईएस्ट पे माइनस। अब सेकेंड पॉइंट की बात यही सुना दूँ, पॉइंट सेकेंड में पहले स्लोप पॉजिटिव आई बेटा, फिर जीरो हुई, फिर स्लोप पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव। नीचे की तरफ स्लोप नेगेटिव होती है, फिर यहाँ पे जीरो चली, फिर होगी पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, गुड। नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ेगी, इट मीन्स पॉजिटिव आंसर आना चाहिए आपका। तो इस केस में आपके पास क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो पता लग गया कि मे बी मैक्सिमम मे मिनिमम। अगली बात और आ जाती है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स, अगर दोबारा डेफिनेशन कर दिया और वो पॉजिटिव आ गया इसका मतलब वो पॉइंट मिनिमम का है। खड्डे में बैठे हैं भैया, क्या बैठे हैं खड्डे में, क्या समझे, तनिक बात समझ में आई। ओके तो समझने वाली बात ये थी भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हर केस में होता है, मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए दो बार करो डिफरेंशिएशन, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम है। पॉइंट थ्री देखो कहाँ है, पॉइंट थ्री के पहले भी जीरो, बाद में भी जीरो, आगे भी जीरो, पीछे भी जीरो, खुद भी जीरो, जीरो जीरो बिल्कुल जीरो, कोई काम का आदमी नहीं है ये, न्यूट्रल पॉइंट हो गया ही, तो इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे थे वैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक ख़त्म, डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया है, एक्सरसाइज बुक से कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। टिल देन हैव ए नाइस डे 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 डे, बाय।